13 क्वेश्चन को एक और मेथड से करने की कोशिश करते हैं और इसमें हम कंपोनेंट एंड डिविडेंडो का ट्राई करते हैं, ठीक है। आप देखो, मैंने इस पूरे को ए मान लिया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने टेन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स को माना ए, तो वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इक्वल टू हो गया टेन ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इक्वल टू हो गया टेन स्क्वायर ए। जब भी मैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाना चाहता हूँ तो मैं प्लस वाले को ऊपर लेता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सारे स्टूडेंट बता देते हैं कि उन्हें भी पता है कि इसे किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये हो गया वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, सॉरी सिर्फ टेन स्क्वायर ए। अब कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करी तो आया वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। इसे हमने फिर से रेसिप्रोकल करा तो एक्स इक्वल टू आ गया वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। आप देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या बन चुका है, इस पूरे को तो हमने ए माना था, तो क्या बन चुका है क्वेश्चन हमारे पास, साइन टू ए। और आप देखो, ये आपके पास क्या आ चुका है, कॉस टू ए, क्योंकि कॉस टू ए का फॉर्मूला होता है ना वो। तो अब हमें चाहिए, हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, साइन टू ए का। साइन टू ए को हमने क्या करा, हमने लिखा रूट में वन माइनस कॉस स्क्वायर टू ए, और कॉस टू ए कितना है, कॉस टू ए हमारे पास है x, तो ये बन गया वन माइनस एक्स स्क्वायर। और अब आप इस पर लगा सकते हो बॉक्स, तो ये बन गया वन अपॉन टू रूट एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का करेंगे तो माइनस का टू एक्स आया जो बन गया माइनस का x अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर।